अपमार्ग से महाशक्तिशाली वशीकरण टोटका उपाय। इस उपाय से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। अनुष्ठान शुरू से अंत तक एक बार देखे बिना डाउनलोड किए बिना स्किप किए। पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिए। चलिए कंटेंट शुरू करता हूँ। जय श्री राम, जय मां मुंडो मालिनी। मैं योगी श्री प्रकाशनाथ तंत्र गुरु चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। विषय, अपमार्ग से महाशक्तिशाली वशीकरण। अपमार्ग संस्कृत उच्च नाम है, हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग एक बार गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। ये अनुष्ठान बहुत साधारण है, बहुत सहज है। अपमार्ग का पौधा हर जगह में अवेलेबल है, झोप झाड़ में जंगल में अवेलेबल है। इस प्रयोग में मेंशन तो नहीं है। अपमार्ग दो किस्म का होता है, एक लाल कलर का डांडी जो रहेगा उसका लाल कलर का रहेगा, एक हरा कलर का डांडी रहता है। तो इसमें दो ही काम में आप लोग ले सकते हैं। इस अनुष्ठान को करने के लिए आप लोगों को त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, संक्रांति, तिहोस्पोर्शो, ये विशेष उस तिथि में ही ये अनुष्ठान आप लोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ महीना में आप लोगों को मिल जाएगा। विशेष शुभ तिथि हर महीना में है, दो दो चतुर्दशी, दो अमावस्या, एक अमावस्या, एक पूर्णिमा, दो अष्टमी, तिहोस्पोर्शो काफी मिल जाएगा, संक्रांति मिल जाएगा हर समय में। विशेष जड़ी बूटी का अनुष्ठान में विशेष शुभ तिथि का ही महत्व है। पहले पेड़ के सामने आप लोगों को जाना है, अभिमंत्रित करना है। अगर रेगुलर आप लोग वीडियो देखते हैं, अभिमंत्रित करने का नियम पद्धति आप लोगों को पता होगा। जो पहली बार आज मेरा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ, अभिमंत्रित करने के लिए आप लोग पीला चावल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर उसको लेके जाइए, पेड़ के सामने खड़ा होकर धूप दीप दिखाइए और बोल चावल को फेंक कर आमंत्रण, चावल को पेड़ के ऊपर फेंक कर हाथ जोड़ के प्रभु को बोलिए, प्रभु मैं कल आऊँगा आपको लेने के लिए, आप मेरा अमुक मनोकामना है, अमुक मंत्र का सिद्धि हेतु आपको लेके जा रहा हूँ, मेरा अमुक मनोकामना को पूर्ण करें, मेरे साथ आइए और मेरा ये कामना को पूर्ण करें। बस नेक्स्ट दिन फिर से जाइए, हाथ जोड़ कर प्रणाम कीजिए, चावल देने का जरूरत नहीं है, धूप दीप दिखाइए और पेड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लेके आइए अपने घर में। जड़ को अच्छी तरह से धो लीजिए काट कर, छोटा सा ही जड़ चाहिए, अच्छी तरह से धो लीजिए काट कर। देखिए पेड़ ऐसा होना चाहिए जिसमें फल आया है। बच्चा पेड़ का कोई काम नहीं होता है कभी भी, जिसमें फल आया है, जिसमें फूल आया है उसी पेड़ का काम होता है। इसलिए ध्यानपूर्वक पेड़ को आप लोग निर्वाचन करके अनुष्ठान कीजिए। इतना दूर तक वीडियो देख लिए, एक लाइक कीजिए और नए लोग से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिए, 1,00,000 सब्सक्राइबर होने ही वाला है। और एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ, मेरे दो चैनल पर यूट्यूब का एक नया अपडेट आने के बाद मेरे दोनों चैनल पर ही अभी हैंडल आ गया है। हैंडल का क्या मतलब है, देखिएगा मेरे नाम के आगे एक @ लग रहा है, @ तंत्रगुरु, @ टचेस ऑफ नेचर। इससे क्या होता है, बहुत सुंदर यूट्यूब का अपडेट है। इससे क्या होता है, तंत्रगुरु नाम से कोई भी चैनल बना सकता है, लेकिन @ जो ऑप्शन है वो सिर्फ तंत्रगुरु के जेन्युइन जो चैनल है, जैसे मेरा चैनल है तंत्रगुरु का, मेरे नाम से नया नाम के आगे ही @ लगेगा। बाकी किसी के नाम से, तंत्रगुरु नाम से लाखों चैनल बना ले, करोड़ों चैनल बना ले, लेकिन तंत्रगुरु @ तंत्रगुरु सिर्फ मेरे चैनल के आगे ही लगेगा। इसलिए आप लोग तंत्रगुरु चैनल जब भी सर्च करें @ देखिए उस चैनल के आगे @ है या नहीं, या @ लगाकर ही तंत्रगुरु को सर्च करें, तब आप लोग सीधा मेरे चैनल पर। तो अभी आप लोगों को जड़ लेके आए, ठीक है। पहले आमंत्रण आप लोग किसी भी दिन दे, शुक्रवार मान लीजिए, चतुर्दशी आज है तो त्रयोदशी के दिन आमंत्रण दे के आ सकते हैं, या अष्टमी के दिन, मूल अनुष्ठान अष्टमी के दिन करना है ठीक है, तो सप्तमी के दिन आमंत्रण दे के आ सकते हैं। अभी आमंत्रण दे के आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, पार्टनर का इस्तेमाल किया हुआ कोई कपड़ा अगर आप लोगों के पास है तो बहुत अच्छा, कपड़े के ऊपर आप लोगों को क्या करना है, एक मंत्र रहेगा, उस मंत्र को कपड़े के ऊपर लिखना है आप लोगों को लाल कलर स्केच पेन से। लिखने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो मंत्र 108 बार अमुक के स्थान पे पार्टनर का नाम बिठा के जाप करें, गया दो पार्ट 1 पार्ट 2। अभी उसको फोल्ड करें, लाल धागे से उसको अच्छी तरह से बांध ले, अभी उसको जाकर विसर्जन कर दे। विसर्जन कब करना है, 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ता आपके घर में
वो रहेगा वैसे के वैसे फोल्ड किया हुआ कपड़ा, आप लोग को एक जगह पे छुपा कर रख दीजिए। गया ये एक पार्ट चला गया। अभी विसर्जन करने के समय फिर से प्रश्न है, गुरु जी विसर्जन क्या मुझको खुद को करना है? किसी भी व्यक्ति को देकर नदी समुन्दर नहर किसी भी जगह पर विसर्जन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तालाब है तो तालाब में भी विसर्जन कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो किसी को देकर करवाइए, विसर्जन करना ही पड़ेगा। मैं बता देता हूं उसके बाद भी विसर्जन नहीं करूंगा तो गुरु जी क्या करें? जब विसर्जन करना है तो उसको मिट्टी में दबाना नहीं है, जो लिखा है वही आप लोगों को बताता हूं, सुनाता हूं। पार्ट टू, अगर आप लोगों के पास इस्तेमाल किया हुआ कोई कपड़ा आदि कुछ भी नहीं है तब इस कंडीशन में क्या होगा? आप लोगों को भोज पत्र में सिर्फ उसको लिखना है, मंत्र को सिर्फ भोज पत्र में लिखना है। मंत्र लिखने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम भोज पत्र को फोल्ड करें और वो जो अपमार्ग का जो डाली आप लोग छोटा सा जड़ जो आप लोग छोटा सा रखे उस जड़ को आप लोग भोज पत्र के अंदर डालिए, फोल्ड कीजिए, लाल धागे से उसको अच्छी तरह से बांध दीजिए, बाकी का प्रोसेस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। 24 घंटे के अंदर आप लोगों को दिख जाएगा इसका असर। 7 दिन तो मैं बहुत दूर बोल दिया आप लोगों को। अपमार्ग का प्रयोग बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग होता है। अपमार्ग से व्यक्ति को पकड़कर व्यक्ति को अपने जहां पर है व्यक्ति व्यक्ति को लेके आने के लिए आकर्षण क्रिया में अपमार्ग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस अपमार्ग से ऊपर जो है वो है शेत अपराजिता, जिसको विष्णुकांत बोला जाता है, शेत अपराजिता, वो भी बहुत ही पावरफुल बहुत ही ताकतवर है। अगर जानना चाहते हैं शेत अपराजिता का पुष्प के प्रयोग के बारे में, शेत अपराजिता का पेड़ के बारे में, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो मैं उस विषय में आप लोगों को एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताऊंगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। वीडियो में तिथि समय, एक पॉइंट मेरा छूट गया, समय कौन सा है? समय आप लोग सुबह के 10 बजे से पहले या रात के 10 बजे के बाद। इस अनुष्ठान में मैं आप लोगों से यही बोलना, सुबह के 10 बजे से पहले पहले अनुष्ठान को संपन्न कीजिए, ठीक है? पेड़ को भी सुबह के 10 बजे से पहले लेके आए, आमंत्रण देकर। रात में यह अनुष्ठान उतना कारगर होगा नहीं मुझे ये लगता है। कहीं मैं जो भी अनुष्ठान करता हूँ, ये जड़ी बूटी का या पौधे का अनुष्ठान, ठीक है, सुबह जब सुबह का सुबह अनुष्ठान को समाप्त कर, रात का जो अनुष्ठान वो थोड़ा अलग अनुष्ठान है, वो शांति कर्म में उतना नहीं जाता है, ठीक है? और ये जड़ी बूटी का क्षेत्र में तो जाएगा ही नहीं, इसलिए आप लोग एक बार मेहनत करके एक ही दिन का अनुष्ठान करेंगे, आप लोग थोड़ा मेहनत करके एक दिन में इसको एडजस्ट करके, थोड़ा बहुत समय को आगे पीछे करके एडजस्ट करके आप लोग एक दिन का अनुष्ठान कीजिए। विश्वास है श्रद्धापूर्वक किसी दूसरे का पत्नी का भगाने का उद्देश्य से अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होगा। पति पत्नी में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, बेटा के साथ पिता का लड़ाई, माँ का लड़ाई, हर क्षेत्र में हर प्लेटफॉर्म में किसी को भी बॉस को मनवाना है तब भी ये प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, बिना साइड इफेक्ट, बिना किसी का कोई क्षति पहुंचा, ये आप लोगों का मनोकामना पूर्ण करेगा। सुंदर आकर्षण संबोधन का एक प्रयोग आज आप लोगों के लिए बताया। कैसा लगा? आप लोग लाइक के माध्यम से, कॉमेंट के माध्यम से जरूर बताए, इससे मनोबल वृद्धि होता है, देखने से आनंद आता है। जी हाँ, जेन्युइन कंटेंट बनाता हूँ, ना भी लहसुन प्याज अदरक, ठीक है, इत्यादि घटिया प्रयोग में व्यू तो आता है लेकिन जेन्युइन प्रयोग में व्यू नहीं आता, इससे थोड़ा मन मन में दुखी भी होता है, लेकिन आप लोगों का सुंदर सुंदर कमेंट आता है उससे मन में प्रसन्नता भी होता है। इसीलिए अच्छा अच्छा कॉमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करके थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो और भी बहुत अच्छा होता है। आज का यह अनुष्ठान यहीं पर विराम देता हूँ। नेक्स्ट बुधवार को आप लोगों के लिए महाशक्तिशाली हनुमान जी का स्वयं सिद्ध मंत्र प्रयोग लेके आ रहा हो, मात्र 11 दिन का साधन अनुष्ठान। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, काफी दिन से लंबा एसएमएस फोन लगाकर बार बार ये सब बोला जा रहा, गुरु जी हनुमान जी का प्रयोग, हनुमान जी का प्रयोग, तो हनुमान जी का प्रयोग आप लोगों के लिए प्रस्तुत है। देखने के लिए चैनल तंत्र गुरु चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर वीडियो देखते रहिए। हरिओम दशरथ।